Good morning friends and welcome to my YouTube channel Joy Gardening. आप लोग अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एडेनियम को इतना मोटा कॉडेक्स करें, हाउ टू मेक बिग कॉडेक्स इन एडेनियम। सो ये मेरा जो एडेनियम है इसको मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ये लगभग 15 इयर्स से मेरे पास है। आप इसका कॉडेक्स देख पा रहे हैं कितना मोटा इसका कॉडेक्स है। तो मैं हर साल इसको हैंग करता हूँ, उसके बाद रूट प्रूनिंग करता हूँ एंड ब्रांच प्रूनिंग करने के बाद मैं इसको 15 दिन में फिर से रिपोटिंग करता हूँ। तो इस बार मैंने ये टोटल वीडियो आप लोगों के लिए दिया है। अभी यहाँ पर विंटर ख़त्म हो गया है एंड दिस इज़ द स्टेज ऑफ अर्ली समर, दिस इज़ द बेस्ट टाइम है एडेनियम को हैंग करने का, रिपोटिंग करने का। तो थ्रू विंटर एडेनियम आप लोग को पता है डॉर्मेंसी पीरियड पे रहता है। अभी इसका डॉर्मेंसी ख़त्म हो गया है। एक्चुअली यहाँ पर मेरा प्रूनिंग मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के साथ टोटल वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आप लोग जो कीजिए एडेनियम को जो पुराना मिट्टी है उससे आप लोग इसको उठा लीजिए। इस तरीके का कोई भी आप लोग चाकू वगैरह ले लीजिए एंड फर्स्ट आप इसका जो पुराना मिट्टी है ये सब मिट्टी को आप लोग थोड़ा लूज कर लीजिए। अभी आप लोगों को एडेनियम को इससे उठा लीजिए। इसका वेट बहुत है तो मुझे एक इसमें उठाने का बहुत ये हो रहा है। अभी देखिए मैंने इसको थोड़ा उठा लिया है मेरा एडेनियम को। इसका लास्ट टाइम भी मैं इसको इसी तरीके से किया था तो इसका फंगिसाइड का कलर अभी तक आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं इसको निकालने के बाद क्या करूँगा, इसका रूट को मैं थोड़ा सा प्रून कर दूँगा एंड उसी के साथ साथ मैं इसको वॉश भी कर लूँगा पानी से। देखिए मैं इसका टोटल मिट्टी अभी वॉश कर चुका हूँ एंड इसका मैंने रूट को भी थोड़ा सा प्रून कर लिया है। इसी तरीके का आप लोग कोई भी कटर लेके फर्स्ट आप कटर को डिसइंफेक्टेड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको इसी तरीके से इसका जो पुराना रूट है इसको आप लोग कट कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लोग कट करेंगे उतना इसका रूट में भी रेमिफिकेशन होगा। एंड उसके बाद मैंने जो किया था मैं इसको टोटल इसका रूट को 1 आवर इसको फंगिसाइड में फिर से मैंने भिगो के रखा था। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है एडेनियम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो रूट रॉट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप लोग भी फंगिसाइड का यूज़ कीजिएगा तो आप लोगों का रूट भी इतना अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद रूट कट करने के बाद आप लोग जो कीजिए फंगिसाइड तो ज़रूर लगाइए एंड इसको ब्रांच को भी आप लोग इसी तरीके से आप लोग कट कर दीजिए। कोई भी एक कटर लीजिए एंड कटर से आप लोग इसको इसी तरीके से आप लोग कट कर दीजिए। मिनिमम आप लोग एक माप बना ले एक अम्ब्रेला शेप का एंड कटिंग करने का जो सुविधा है वो है कटिंग करने के बाद आपका प्लांट में रेमिफिकेशन होगा। इसमें अभी रेमिफिकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड कट करने के बाद जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है फंगिसाइड। हाँ दोस्तों, आप लोग किसी भी ब्रश के साथ इसके जो कटिंग पीस है उस पर आप लोग फंगिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पर ब्रश से लगा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग हर जगह पर फंगिसाइड लगा ले एंड हाँ, आप लोग को ध्यान में रखना है रूट पर भी आप लोग यहाँ पर कट किए हैं वहाँ पर आप लोग फंगिसाइड यूज़ कर लीजिए। अभी देखिए दोस्तों, अभी टाइम आ गया है मेरे एडेनियम को हैंग करने का। मैं अभी इसको हैंग कर दूंगा फॉर 15 डेज।
देखिए इस तरीके का कोई भी रस्सी लेके आप लोग इसको हैंग कर लीजिए एंड इसको आप लोग 15 डेज के लिए हैंग कीजिए कहीं उसी जगह पर जहाँ पर कोई भी धूप नहीं आता है। इसको आप लोग घर के बैल्कोनी पर भी लगा सकते हैं, मैं इसको बैल्कोनी पर टंगाया हूँ। तो मेरे पास तो 50 से ज़्यादा एडेनियम है, मैं सभी को इसी तरीके से हैंग कर दूंगा एंड 15 डेज के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे इसको रिपोर्ट करता हूँ। सो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।